जय हिंद दोस्तों। एक दोस्त ने सवाल पूछा था कि स्पोर्ट्स में सबसे जरूरी चीज क्या है, वो कौन सी चीज है जिसके बिना स्पोर्ट्स में कामयाबी मिलना नामुमकिन है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। देखो, अगर स्पोर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात की जाए ना, तो वो है कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार प्रैक्टिस पर लगे रहना। आज अच्छा समय चल रहा है आपका, तब भी आप ग्राउंड पे जा रहे हो, तब भी मेहनत कर रहे हो, जितनी आप कैपेसिटी से वर्कआउट कर सकते हो वो कर रहे हो। कल आपका बुरा वक्त जाता है, हर किसी के जीवन में आता है, तब भी आप उसी कंटिन्यूटी से, उसी डेडिकेशन से, सेम वही वर्कआउट उतनी ही ताकत से फिर भी करते हो, उसे कहते हैं कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी। आप सब कुछ सीख जाओगे, टेक्निक सीख जाओगे आप, वर्कआउट कैसे करना है सब कुछ सीख जाओगे आप, सिर्फ एक चीज अगर आप करोगे जिंदगी में, वो है कंसिस्टेंट रहोगे, लगातार एफर्ट्स लगाते रहोगे। आदमी सीखता तभी है जब वो कंटिन्यू लगा रहता है। शुरुआत में किसी को कुछ नहीं पता होता, सभी कोई पेट से सीख कर नहीं आता, माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, सभी यही आकर सीखते हैं। लेकिन जो लगातार फील्ड में टिका रहता है, जो कंटिन्यूटी बनाए रखता है, वो सीख जाता है। हर कोई सीख जाता है। आज जो टॉप पे लोग हैं उन्होंने भी ऐसे ही सीखा। अगर आप उनसे पूछ लेना कि सबसे जरूरी चीज क्या, वो भी आपको कंटिन्यूटी ही बताएंगे, कंसिस्टेंसी ही बताएंगे। दोनों चीजें एक ही होती हैं। क्योंकि देखो, बहुत से लोग होते हैं आज अच्छा है, आज मूड अच्छा है तो आज वर्कआउट कर लेते हैं, लेकिन मूड हर रोज अच्छा नहीं होगा, वो बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, आज एनर्जी का लेवल नहीं है, आज मेरा मूड अच्छा, आज मैं जाता हूँ वर्कआउट, खूब वर्कआउट करता हूँ, लेकिन कल मेरा मूड अच्छा नहीं है, मेरा ग्राउंड पे जाने का मन नहीं कर रहा। अगर मैं कल भी ग्राउंड पे जाके उसी डेडिकेशन से वर्कआउट करूं, जिस डेडिकेशन से वर्कआउट मैं पहले कर रहा था जब मेरा मूड अच्छा था, तो मुझे कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यहां मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं आप सबकी बात कर रहा हूं। तो कंटिन्यूटी सबसे जरूरी चीज है, हर चीज सिखा देगी आपको। बस आप अपनी फील्ड पे टिके रहो, अपने पैरों को एक जगह पर टिका लो, सीखने की चाह रखो मन में, जहां जिससे जितना हो सके उससे उतना सीख लो। ये मत देखो इसको ये पता है वो पता, कोई भी कोच हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई भी हो, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ जरूर पता होता है, तो आप उससे वो चीज सीख लो। और ये जरूरी नहीं है कि आप अपने स्पोर्ट्स का, आप जो इवेंट करते हो उसी के खिलाड़ियों से सीखोगे, हर एक इवेंट से सीख सकते हो आप, क्रिकेट से, कबड्डी से, कुश्ती से, हर तरह के खिलाड़ियों के इंटरव्यूज देखा करो, किताबें पढ़ा करो, जहां पर भी आपको मिले कि ये स्पोर्ट्स का बंदा उसकी सुनो, देखो। देखो, वर्कआउट अलग होते हैं, शेड्यूल अलग होता है, थोड़ी सी फिलोसफी अलग होती है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ट्रेनिंग के हो या सक्सेस के हो, वो सभी एक ही समान होते हैं, और उनका पता तो आपको तभी चलेगा जब आप फील्ड में कंटिन्यू लगे रहोगे। आज आपका मूड नहीं है तो भी वर्कआउट करो। जिस दिन आपका वर्कआउट आपके मूड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा, उस दिन कामयाबी आपसे मिलना चाहेगी। हर किसी के बस की बात नहीं होती कंटिन्यूटी बनाए रखना। आप एक डेढ़ दो साल अगर ग्राउंड में टिके रहे, मैदान में टिके रहे और लगातार सीखते रहे, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, वो बात अलग है, आप जाते हो ग्राउंड में, दो चक्कर लगाए, घर आ गए, हाँ मैं खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ी ऐसे नहीं होते। खिलाड़ी दिखना अलग बात है और बनना अलग बात होती है। आप जब खिलाड़ी बन जाओगे ना, तो आपके उठने के, बैठने के, बोलने के, चलने के तरीके में फर्क आ जाएगा, और वो फर्क तभी आएगा जब आपके अंदर सीखने की चाह होगी। कोई भी खिलाड़ी आपको मिल जाए, कोई भी व्यक्ति मिल जाए, अगर आप एक खिलाड़ी हो ना, तो सीखा करो उससे, कुछ ना कुछ जरूर बताएगा वो आपको, कोचीज है, कोई भी है, पूछ लो। हेजिटेशन रहती है, आपको कुछ पता नहीं है तो पूछ लो सीधा जाके, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना कर देगा। तो कंटिन्यूटी मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके साथ आपका एटीट्यूड होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड, सीखने की चाह होनी चाहिए आपके मन में, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना भारत जीतेगा।